हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पापड़ के पराठे बनाने की रेसिपी। ये पापड़ के पराठे बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आते हैं और इन पराठों को बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। पापड़ के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को गूंद कर तैयार कर लेंगे। इसके लिए ये मैंने एक कटोरी आटा लिया है। आपको जितनी भी क्वांटिटी में पराठे बनाना है उस हिसाब से मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। पराठों को सॉफ्ट रखने के लिए यहाँ पे मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठों के लिए सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। ये देखिए, पराठों के लिए हमारा सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपना पापड़ का मसाला तैयार करेंगे। पापड़ को हम इस तरह से गैस पर सेक लेंगे। पापड़ों को ठंडा होने के बाद इसे हम तोड़कर क्रश कर लेंगे और फिर इन्हें हम हाथ से तोड़कर पापड़ों का चूरा बना लेंगे। इन पापड़ों का हमें चूरा तैयार करना है, पाउडर नहीं तैयार करना है। पापड़ का मसाला आप पापड़ों को तलकर भी तैयार कर सकते हैं, पर मैंने मसाले के लिए इन पापड़ों को गैस पर सेका है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। इसमें ये मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, 1/4 चम्मच चाट मसाला और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डालकर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है क्योंकि पापड़ में भी नमक है, चाट मसाले में भी नमक है और आटा में भी नमक है। अगर आप नमक डालना चाहें तो एक चुटकी नमक भी डाल सकते हैं। इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब पराठों के लिए इसकी हम लोइयां बना लेंगे। अब एक लोई लेकर उसमें सूखा आटा लगाकर इसको हम पूड़ी से थोड़ा बड़ा बेलेंगे। अब पराठा के बीच में हम पापड़ वाली स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग को आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा भर सकते हैं और फिर इसको चारों तरफ से इस तरह से बंद कर देंगे और फिर इसका एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे और फिर लोई को हम थोड़ा चपटा करके इसमें सूखा आटा लगाकर हम पराठा बेलेंगे। इसे हमें बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो पापड़ का मसाला निकलकर बाहर आ जाएगा। ये हमारा पराठा बेलकर तैयार है। इसी तरह से हम सारे पराठों को तैयार कर लेंगे। पराठा सेकने के लिए हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस पर हम अपना पराठा डाल देंगे। 2 मिनट सेकने के बाद इसको हम पलट देंगे। नीचे से सेकने के बाद हम पराठों के दोनों तरफ तेल लगा देंगे। अब इस तरह से हम पराठे को थोड़ा दबा दबा कर सेकेंगे जिससे ये हमारा पराठा अच्छे से फूल जाएगा और पराठे का कलर भी दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा पराठा सिककर रेडी हो गया है। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। आप अपने बच्चों के लिए एक बार पापड़ के पराठे बना के ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके ये पापड़ के पराठे।